नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, आज हम स्टेट लाइन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे एग्जाम में भी हूबहू आते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल। तो प्यारे छात्रों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें रेखाओं 3x + y - 7 = 0 और x + 2y + 9 = 0 के मध्य कोण ज्ञात करो, एंगल फाइंड करना है। तो पहले प्यारे छात्रों, इसको लिख लेते हैं हम दोनों लाइंस को। L1 इसको नाम दे देता हूँ, L1 = 3x + y - 7 = 0 और L2 मैंने ये दे दिया, x + 2y + 9 = 0। अब देखो, जब हम कोण ज्ञात करते हैं, एंगल जब मेजर करते हैं, तो उस लाइन की प्रवणता देखते हैं, जो स्लोप होता है उसको चेक करते हैं। तो इसकी जो स्लोप है, जब कैसे आएगी, y = -3x + 7। तो यहाँ से m1, ये y = mx + c रूप हो गया, स्लोप फॉर्म में हो गया। तो m1 = आगे -3। और इसी प्रकार इसको देखो, 2y = -x - 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -x/2 - 9/2। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से m2 = -1/2। ये जो क्लियर, तो इसका x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है इस लाइन L2 का। और m1 क्या है, इस लाइन m1 का ये क्या है, स्लोप है। क्लियर। तो अब ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच में जो एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है tan θ = m1 - m2/1 m1 × ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करो बराबर प्लस माइनस। m1 की वैल्यू कितनी है, -3। m2 की वैल्यू है कितनी है, माइनस, और ये आगे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/2 m1 × m2। m1 कितना है, -3 है, m2 कितना है, -1/2, तो 3/2 आ गया। क्लियर। एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो सोल्व कर लो इसको, बराबर प्लस माइनस 3 × 6, 6 में से ज्ञात कितना बचा, -5 प्लस माइनस -5/5, ये कितने हो गए, 3 × 2 = 5, और 2 से 2 कट गया एलसीएम से, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया प्लस माइनस और -1। क्लियर। अब देखो, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस का साइन ले लो, तो tan θ कितना आ जाएगा, tan θ = एक बार प्लस का 1 लेंगे तो कितना है, -1, और माइनस लेंगे तो माइनस ये और माइनस ये, कितना हो गया +1। अब देखो, यहाँ से आप क्या लगाओगे आइडिया, कि यहाँ लिख दो, क्या यहाँ लिख देता हूँ, देखो tan θ = 1 लिखते हैं, ये 1 के बराबर यदि हम लिखते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा, tan−1। tan θ की वैल्यू जब 45 रखते हैं, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से tan−1 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। अब दूसरी बात आती है, यदि tan θ आप कितना लो, tan θ लो आप -1। अब -1 लेंगे तो tan θ = 1 किसकी वैल्यू, किसके बराबर होता है, 45 के बराबर होता है। देखो ऐसे ऐसे समझो इसको, ये लाइन है, ये 45 की लाइन हो गई। क्लियर। और ये जो लाइन है, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 है, और ये 90 + 45 कितना होता है, 135। तो tan 135 की वैल्यू कितनी आती है, -1। तो समझ में आ गया होगा, 90 + 45, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, θ = आ गया 135 डिग्री। क्लियर। तो ये जो दो रेखाएं हैं, ये कितना एंगल बनाती है, जब इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो कितना एंगल बनाएंगी, या तो 45 है ना, इंटरनल एंगल जो एक्यूट एंगल होगा वो कितना होगा, 45, और ऑब्ट्यूज एंगल जो अधिक कोण होगा वो कितना बनेगा, 135 डिग्री। क्लियर। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो स्लोप ज्ञात कर लेना एग्जाम में, यदि लाइन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या याद करो, स्लोप ज्ञात कर लो, उसका प्रवणता ज्ञात करो, m1 ज्ञात कर लेना ऐसे, है ना, y = mx + c, y = mx + c, ये प्रवणता रूप, स्लोप फॉर्म। क्लियर। तो
तो जब इस स्लोप फॉर्म में कर लेंगे तो उसकी m1 आ जाएगी, इसकी m2 आ गई। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छे से याद कर लेना और इसमें वैल्यू रख देना, और गुणा भाग जो भी है कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेना। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रेखाएं 2x - y + 9 = 0 तथा 4x - 2y - 8 = 0 समांतर है। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, समांतर होने के लिए क्या होता है कि जब दो लाइन समांतर होती हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं, जो स्लोप होती हैं, वो क्या होती है, बराबर आती हैं। क्लियर? देखो इसको ले लो L1, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या याद कर लो, उसकी प्रवणता याद कर लो, स्लोप याद कर लो। स्लोप कैसे याद करते हैं, इसको वाई को इधर ले आओ तो कितना बचेगा 2x + 9, तो M1 कितनी आ गई, M1 = 2, ये M1 होती है। क्लियर? इसी पर L2 ये ले लो, L2 = कितना है, 4x - 2y - 8 = 0। तो यहाँ से इसको सरल करो, देखो 2y को इधर लेके आओ, 2y = 4x - 8, तो y कितना आ गया, y = इसका 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। तो यहाँ से देखो ये कितनी आएगी, m2 कितना आ गया, 2 आ गया। देखो m1 ये रहा m, और दिस इंप्लाइज m1 = m2 = 2, दिस इंप्लाइज L1 is parallel to L2। आ गई होगी बात समझ में। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल गया कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, समांतर है। देखो ये तो हमने किस रूप में कन्वर्ट किया, इसको स्लोप फॉर्म में करके किया। एक हमने आपको बता रखा था जर्नल फॉर्म में, कि ये जर्नल फॉर्म में क्या होता है, यदि इनके जो रेशियोज आते हैं यदि वो दोनों बराबर आ जाए, अर्थात 2/4 = -1/-2। देखो रेशियो क्या आ रहे, बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। यदि जर्नल फॉर्म में हो, किस रूप में, जर्नल फॉर्म में हो, तो इनके रेशियो देख लो, रेशियो यदि बराबर आते हैं तो आप गारंटी से कह दोगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, पैरेलल हैं। क्लियर? तो ये तो था कॉन्सेप्ट हमारा इन दो क्वेश्चनों के ऊपर, कि इसमें ज़्यादातर किसका यूज आ रहा है, एक तो थिएटर याद करने का, और दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, M1 = M2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। नोट कर लिया होगा आपने ये चीजें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, उस सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 से होकर जाए और रेखा 3x - 4y = 7 के समांतर हो। उससे सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 1 से होकर जाए और रेखा 3x - 4y = 7 की समांतर हो। ये क्वेश्चन है भाई, देखो कि उस सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करिए जो बिंदु 1 1 से होकर जाए और रेखा 3x - 4y = 7 की समांतर हो। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, पहले तो ये लिख लो, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 इज क्या होती है, y - y1 = m x - x1। ये होती है कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 क्या होती है, y - y1 = m x - x1। क्लियर है ये बात? अब देखो क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि उस रेखा का समीकरण क्या है जो बिंदु 1 1 से गुजरती है, ये है। क्लियर? तो इसमें लिख दो y - y1 इस पॉइंट से गुजर रही है, y1 की वैल्यू 1, m x - x1 की वैल्यू कितनी है, 1। समीकरण नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? कि हम मान लेते हैं कि 1 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है, ये है, और इसकी प्रवणता कितनी है, m है। अब ये देखो ये जो रेखा 1 है ये इस रेखा, इसको नाम दे दो,
एक दो की समांतर, रेखा एक किसकी समांतर है, दो की समांतर है, तो एक और दो की जो प्रवणताएं होंगी वो क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। हमने बताया था कि जब दो रेखा बराबर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं, तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक और दो रेखा क्या है, पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो क्या करोगे, इसकी प्रवणता याद करो, इसकी प्रवणता कितनी आ गई, देखो 4y बराबर 7, ये माइनस का 3x माइनस प्लस का 7, माइनस का ले लो, ठीक है ना, इधर आ गया ये प्लस का 3x माइनस का 7, तो y इज इक्वल टू आ गई 3/4x माइनस 7/4, आ गए समझ में, तो कितना आया ये प्रवणता, तो प्रवणता कितनी आएगी 3/4, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m यही तो प्रवणता, तो क्योंकि दोनों रेखाएं क्या समांतर है, तो इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता कितनी होगी, समान होंगी, और इस रेखा की प्रवणता कितनी m है, और इस रेखा की प्रवणता कितनी है 3/4, तो दिस इंप्लाइज m बराबर 3/4, आगे समझ में ये बात, m की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, और m की ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, m की वैल्यू ये कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तो m यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज तो क्या है y माइनस 1, m की वैल्यू 3/4 x माइनस का 1, जो कि अभीष्ट रेखा का समीकरण है, इसको और सोल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा 4y माइनस का 4 बराबर 3x माइनस का 3, और देखो ये y को इधर ले आओ तो 3x, ये y इधर गया तो माइनस का 4y, और ये 4 इधर गया तो कितना हो गया भाई प्लस का 1=0, क्लियर ये बात, तो देखो इसमें ये 3x माइनस 4y यहाँ पर 7 आ रहा है, ये माइनस का 7 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो प्रवणता तो इसकी भी बराबर है कितनी 3/4 है, और इसकी भी 3/4, तो अंतर किस में आ रहा है, केवल कॉन्स्टेंट में अंतर आ रहा है, किस में आ रहा है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो केवल उसके अचर में क्या आएगा डिफरेंस आएगा, क्लियर। तो आप इसको सेकेंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, एक मेथड तो ये है कि मान लीजिए उस रेखा का समीकरण क्या है जो बिंदु 1-1 से गुजरती है, क्या समीकरण होता है वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, और कहाँ से पास हो रही है एक्स वन वाई वन, 1-1 से पास हो रही, तो मैंने रख दिया वाई वन की वैल्यू 1 और एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी 1, अब कह रहा है कि ये रेखा 1 और ये रेखा 2 ये दोनों क्या है समांतर है, समांतर है तो इसकी प्रवणता कितनी आई 3/4, तो ये m इसकी प्रवणता m है, और ये m और ये 3/4 दोनों क्या बराबर है क्योंकि समांतर है, इसलिए बराबर करी मैंने, ये मैं समझ रहा कि वैसे ही बराबर हो गया ये, तो जब ये बराबर है तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको सरल कर लेना, सरल करने पर आप देखोगे कि दोनों इक्वेशन तो समान आ रही है, केवल अंतर किसका आ रहा है कॉन्स्टेंट का अंतर आ रहा है, क्लियर। तो इसको देखो दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, ये तो पहला मेथड हो गया, मिटा दो मैं इसको यहाँ पर, तो इसका सेकंड मेथड देखो क्या होता है, सेकंड मेथड ये क्या कहता है कि ये उस सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1 से होकर जाए और रेखा 3x माइनस 4y बराबर 7 के समांतर है, तो इस रेखा के समांतर हम क्या मान लेते हैं रेखा 3x माइनस 4y ये माइनस 7 बराबर 0 के समांतर माना, रेखा का समीकरण क्या है भाई 3x माइनस 4y प्लस का c1=0, ये मान के हम चलते हैं, ठीक है, इस रेखा के समांतर जो रेखा आएगी वो क्या मान के चलते हम 3x माइनस 4y प्लस c1=0, ये है। अब ये जो रेखा है एक, इसको एक मान लो और इसको दो, रेखा दो कहाँ से पास होती है 1-1 से गुजरती है, तब 1-1 से गुजरेगी तो इसमें पुट करो दिस इंप्लाइज 3-4 प्लस c1, तो यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 आ गई, c1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो इसमें पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस का 4y प्लस का 1=0, वही बात आई हमारे पास जो पहले हमने फाइंड किया था, वही क्वेश्चन दोबारा आ गई,
तो केवल हमने कहा था अंतर किसका आएगा, सी वन का अचर, अचर का अंतर आता है। यहाँ पर अचर कितना है, माइनस का 7 है, और यहाँ पर क्या अचर है, सी वन है। सी वन की वैल्यू हम किसी दी हुई कंडीशन से ज्ञात करते हैं, या कंडीशन क्या कह रहा है कि ये जो रेखा है ये कहाँ से पास हो रही है, वन वन से पास होती है, इसलिए हमने क्या किया इसको वन वन से पास करवाया। पास करवाने का मतलब है कि ये वन वन जो पॉइंट है इस रेखा के ऊपर उपस्थित है, अर्थात इसको संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करते हैं तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ से सी वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, वन आ गई। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ये आपको समझ में आ गया। थैंक यू।